ये कहानी है एक आधे टॉपर आदि की। आधा टॉपर क्या होता है? वेल वो इसलिए क्योंकि आदि को एक अजीब सी बीमारी थी। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था लेकिन वो सिर्फ क्लास टेस्ट में ही टॉप करता, पर जब बात आती बड़े एग्जाम की, वो एग्जाम के ठीक पहले पढ़ा हुआ सब भूल के बहुत ही एवरेज परफॉर्म करता। तुम पक्का क्लास टेस्ट में चीटिंग करते हो, आदि के क्लास टीचर ने बोला। हाँ मैम ये चीटर ही है, क्लास की जेलस टॉपर लड़कियों ने बोला। मैम सच में बड़े एग्जाम्स में सब भूल जाता हूँ। आदि की आंखों में आंसू आ गए। तो बेटा बोर्ड जैसे बड़े एग्जाम में क्या करोगे, क्लास टीचर ने टॉन्ट मारा। और दूर खड़े इंग्लिश के सर सब देख रहे थे। और फाइनल एग्जाम के दिन, बेटा मेरे पास एक ट्रिक है जिससे तुझे एग्जाम में पढ़ा हुआ सब याद रहेगा। सच में क्या आप जानते हैं मैं पढ़ा हुआ क्यों भूल जाता हूँ? हाँ बेटा, तो प्लीज बताइए, बाद में बताऊंगा। फिलहाल एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलने के बाद ये ईयरप्लग्स अपने कानों में डाल देना, और नजदीका तो तुझे दिखता ही है तो चश्मे निकाल के ही पेपर लिखना। और जब आदि ने टीचर की बात मानी, सर इस बार तो मैं कुछ भी नहीं भूला। ये कैसे हुआ सर? एग्जाम हॉल में टाइम भले ही 3 घंटा हो, हमारा दिमाग उसको लिमिटेड ही समझ एंग्जायटी क्रिएट करता है। प्लस एग्जाम हॉल के एटमॉस्फेयर को देख, कई स्टूडेंट्स के ब्रेन में स्ट्रेस से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने की शक्ति खत्म कर देता है। तो अपने सेंसेस ब्लॉक कर उसे रोक सकते हो।